नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हो फिल्मी ओपिनियन। तो अब हम आपके लिए रिव्यू करेंगे गुल्लक की सीजन 3 की, जो आज ही के दिन सोनी लिव के प्लेटफॉर्म में रिलीज हुआ है। और गुल्लक एक ऐसा वेब सीरीज है जिसका शायद सीजन 3 तो क्या सीजन 30 भी अगर आ जाए तो आप लोग इसी तरीके से इसके लिए इंतजार करोगे। तो गुल्लक का सीजन 3 कैसा रहा, डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर में। रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए गुल्लक की जो कहानी है, क्यों हम लोग गुल्लक को इतना प्यार करते हैं, क्योंकि इसकी जो कहानी है वो हमारे रोजमर्रा की जो जिंदगी है, हमारे जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती है उसके अंदर की जो कहानी है सिर्फ उसको ही दिखाया जाता है। एक परिवार है जो मिश्रा परिवार के नाम से जाना जाता है और उसमें 4 सदस्य है, मतलब मम्मी पापा को छोड़ के भी 2 भाई है, जिसमें से पहला भाई जो है वो अभी रिसेंटली नौकरी में लगा है और दूसरा भाई जो है अभी भी पढ़ाई कर रहा है। तो ये एक आम जिंदगी वाली कहानी है, आम इंसानों की कहानी है, लेकिन उनकी जो हर दिन की जो क्राइसिस उसके ऊपर ये दिखाया जाता है। और हर दिन की जो क्राइसिस है आपको उसके ऊपर हंसी भी आता है, आपको दुख भी होता है, आपको कष्ट भी लगता है, आप मजे भी लेते हो उसका। तो ऐसी कहानी जो है वो गुल्लक की दिखाई गई। इस बार सीजन 3 के अंदर में नया क्या है, इस सीजन 3 में दिखाया जा रहा है कि जमील खान जो परिवार के जो मुख्य जो किरदार है, जो मतलब परिवार के पापा है और उनकी जो वाइफ है गीतांजलि कुलकर्णी है, कि उसका जो छोटा लड़का है हर्ष मेहर जो इस किरदार को प्ले कर रहे, तो उसका नया क्लास में दाखिला करवाना है, नया स्कूल में, उसको लेके पंगा। और दूसरा जो बड़ा लड़का है जो वैभव राजगुप्ता जिस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं, तो उनका अभी जॉब लगा है सेल्स में लेकिन उसका नौकरी जो है वो अच्छा चल नहीं रहा है। अब इसके ऊपर और 2 बड़े जो है आप बोल सकते हो इसके ऊपर आ जाता है उन लोगों के ऊपर प्रेशर, के एक उसका दोस्त है, उसका दोस्त का बेटी का शादी करवाना है यहाँ से, और दूसरा जो है जमील खान का जो बहुत सालों से चलता आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का जो नौकरी है वो चला जाता है। अब कैसे इन विवादों से जुड़े हुए ये फैमिली इससे उभरता है, बेसिकली वही इसके अंदर में दिखाया गया। पॉजिटिव क्या लगा, बहुत ही कमाल का एक्टिंग है जमील खान की इसके अंदर में, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उनके साथ गीतांजलि कुलकर्णी की बहुत बढ़िया है। साथ में जो मुझे अच्छा लगा इसके अंदर में कि वैभव राजगुप्ता और भी मैच्योर लग रहे हैं और भी अच्छे एक्टिंग करते हुए दिख रहे हैं। इसी के साथ अगर मैं कॉमेडी पंचेस की बात करूँ, सुनीता राजवर जब भी स्क्रीन के अंदर में आता है आपको एक हंसी आपके चेहरे में आ जाता है। साथ ही में उनका जो सरकास्टिक डायलॉग, उनका जो टाइमिंग्स, जो वो एक सीक्वेंस है जहाँ पे वो मतलब पूरा फैमिली जो है वो जा रहे हैं बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए और वो आंखें जुड़ जाती है, वो वाला सीक्वेंस बहुत ही बढ़िया है। साथ ही में इसका डायलॉग्स का अगर बात मैं करूँ तो देखिए बहुत सारा चीज़ है, बहुत सरकास्टिक वे से बोला गया है लेकिन उसको बहुत मीनिंगफुल तरीके से, तो काफ़ी बढ़िया डायलॉग राइटिंग है। और साथ में अगर मैं कहूँ इस बार मुझे गाने भी बाकी सीजन से काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, जो एक टाइटल ट्रैक जो है वो तो है ही, इसके अलावा और 2-3 गाने हैं जो हर एपिसोड के एंड में दिया जा रहा है, वो मुझे और भी बढ़िया लग रहा है इस सीजन में सुनने के लिए। इस सीज़न की ख़राबी क्या है, देखिए इस सीज़न में कहानी जो है वो शायद पिछले 2 सीज़न की कहानी से थोड़ा आप बोल सकते हो कि उतना ख़ास नहीं है, थोड़ा उससे कम ही मैं कहूँगा, लेकिन इस पर्टिकुलर सीरीज़ की एक्टिंग जो है वो काफ़ी बाकी 2 सीज़न से 2-1 जगह में बहुत ही बढ़िया है। कुछ कुछ इमोशनल सीक्वेंस बनेगा, मैं शायद पूरा आपको नहीं बोलूँगा तो शायद आखिर तक का सस्पेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। एक एक इमोशनल सीक्वेंस है जहाँ पे कमाल का एक्टिंग किया है। इस ये चारों को देख के लगता है कि ये सच में एक परिवार है, ये एक वेब सीरीज़ नहीं है, ये एक एक्टिंग नहीं है, ये सचमुच वो परिवार में जीते हैं, तो कमाल का है। और एक जो क्वेश्चन जो मैंने अपना थंबनेल में आपने देखा कि मैंने दिया है कि क्या ये इंडिया का सबसे बेहतरीन वेब सीरीज़ है, डेफिनेटली ये सीजन 3 आने के बाद वो क्वेश्चन अराइज हो जाएगा कि एक वेब सीरीज़ सबसे खास कैसे बनता है। हाँ डेफिनेटली उसका प्लॉट होता है, एक्टिंग होता है, उसका एक्सेप्टेबिलिटी होता है, लेकिन ये जो कहानी है ना इसका एक्सेप्टेबिलिटी मतलब आप किसी भी एज, किसी भी जेंडर, किसी भी फैमिली, किसी भी जॉनर के हिसाब से आप इसको नहीं देख सकते हो। इसका एक बोल सकते हो एक जेनेरिक एक्सेप्टेबिलिटी लोगों के अंदर में है और लोग गुल्लक देखना पसंद करते हैं, साथ में वो गुल्लक का नरेशन कमाल का है। दोस्तों यही था मेरा गुल्लक सीजन 3 का रिव्यू। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपके साथ मेरा अगला कोई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।